कैसे करूं मैं अपने इस किए का पश्चाताप। मलबा बन चुके झोपड़पट्टी के ढेर के आगे खड़ा शिखर यही सोच रहा है कि इनकी इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है और अब झोपड़पट्टी के लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा। और शिखर अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। उसके मन में एक ख्याल आता है और वो कॉन्ट्रैक्टर को वापस बुलाकर कहता है, मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट देता हूं तुम्हें। यहां जितनी भी झोपड़ियां थी उनकी जगह पक्के मकान बनाकर इन लोगों को दे दिए जाए और इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। शिखर की ये बात सुन कुछ बस्ती वाले शॉक्ड हो जाते हैं तो कुछ खुशी से झूम उठते हैं। सब शिखर को माफ कर उसे गले लगाने दौड़ पड़ते हैं। उनकी जिंदगी में शिखर जैसे भगवान बनकर आया था। शिखर को आज खुशी के असल मायने समझ आ गए थे। वो स्वार्थ में अंधा हो गया था और आज उसकी आंखें खुल गई थी। उनमें से कुछ अब शिखर के पक्ष में बातें करना शुरू कर देते हैं मगर ज्यादातर अभी भी शिखर को कोसे जा रहे थे। शिखर मन ही मन ये ठानता है कि भले वजह कुछ भी हो वो अपने स्वार्थ में किसी और का नुकसान नहीं होने देगा। शिखर ये सोचता है कि ये गलती तो उसने सुधार ली मगर अब एक और गलती थी जो उसे रवि से मिलकर सुधारनी थी। शिखर वापस जा ही रहा होता है कि उस बस्ती में एक मकान दिखता है जिसे देखते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे वो मकान मालिक भी दिखता है जिसने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और जिससे शिखर ये कहकर आया था कि यहां तभी लौटेगा जब ये सारी जमीन खरीद लेगा और किस्मत ने उसे लौटाया भी तभी था। शिखर को देखकर मकान मालिक अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से निकल जाता है। शिखर के चेहरे पर एक मुस्कान थी तभी उसे रवि के घर के पास खड़ी एम्बुलेंस पर नजर पड़ती है जो जाम में फंसी है। शिखर को याद आता है कि रवि का बूढ़ा बाप अभी भी वहीं रहता है। उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उन्हें कुछ ना हो गया हो। वो भाग कर आगे जाता है तो देखता है रवि पसीने में भीगा हुआ आगे रास्ते से गाड़ियां हटवा रहा है। शिखर सारी कहानी समझ जाता है और उसे यहां से जल्दी निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। उसे अपने सामने खड़ी एक बिल्डिंग नजर आती है और उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो जाकर एम्बुलेंस में बैठता है और ड्राइवर को पीछे एक बिल्डिंग तक चलने के लिए कहता है। रवि पीछे मुड़कर देखता है कि एम्बुलेंस ने अपना रास्ता बदल लिया है और दूसरी तरफ जा रहा है। रवि को कुछ समझ नहीं आता। रवि एम्बुलेंस के पीछे जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक कार आकर उसका रास्ता जाम कर देती है। एम्बुलेंस बिल्डिंग तक पहुंचती है और कुछ देर बाद बिल्डिंग के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है। शिखर पेशेंट को उसमें बैठाता है और पायलट से कहता है, जल्दी नजदीकी अस्पताल ले चलो। जाम में फंसे सभी की नजर उस बिल्डिंग पर जाती है। वहां नीचे खड़ा रवि भी सब देख रहा है। हेलीकॉप्टर तेजी से बिल्डिंग से उड़ता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद रवि का फोन बजता है। रवि देखता है कि शिखर का फोन है। रवि फोन उठाता है और शिखर कहता है, मैं बाबा को हेलीकॉप्टर से शांतिलाल हॉस्पिटल ले आया हूं, उन्हें भर्ती कर दिया है। रवि गुस्से में फोन काट देता है यही सोचते हुए कि हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझसे बिना पूछे मेरे पिता को यहां से ले जाने की। रवि भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है और देखता है शिखर इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठा हुआ है। वो तेजी से चलता हुआ शिखर के पास जाता है और कहता है, शिखर हद होती है किसी चीज की, बंद कर मेरी जिंदगी में दखल देना। शिखर रवि को शांत करते हुए कहता है, रवि रुक, डॉक्टर ने अभी अंदर जाने से मना किया है। मैंने बात की है उनसे, बाबा ठीक हैं, कुछ देर बाद उनसे जाकर मिल सकते हैं। रवि आगे बिना कुछ बोले गुस्से में शिखर के पास बैठ जाता है। शिखर कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज है। रवि ये सुनते ही उठकर वहां से जाने लगता है। उसका शिखर से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। शिखर पीछे से आवाज देता है, रवि रुक तो, मुझे तुझसे बात करनी है। रवि बिना पीछे मुड़े जवाब देता है, लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चला जाए यहां से। शिखर भाग कर रवि के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाता है। रवि पलटते ही कहता है, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी शिखर, इतना सब करने के बाद भी तू मेरे सामने खड़ा है, तेरी जगह मैं होता तो अपना चेहरा नहीं दिखाता। रवि की कही हर एक बात शिखर को चुभ रही थी मगर वो भी आज हार मानकर पीछे हटने वाला नहीं था। आज शिखर ठान कर आया था कि वो रवि को मना लेगा। शिखर गंभीर होते हुए कहता है, रवि ये तू भी जानता है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया,
मैं अपने होश में नहीं था, मुझसे गलती हो गई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं वो सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू जो सजा दे भाई मुझे मंजूर है, तेरी सजा यही है कि तू मुझसे दूर रह। रवि अपना हाथ झटकते हुए कहता है और वहां से जाने लगता है। शिखर सोचता है कि उसे कुछ और करना पड़ेगा, रवि जैसे दोस्त को वो खोना नहीं चाहता है। वो रवि ही था जिसने उसकी तब मदद की थी जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने रहने को जगह दी, काम दिलाया। शिखर अब जो कहने वाला था उसे सुनकर रवि को बुरा लग सकता था, पर अब उसके पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। शिखर पीछे से कहता है, बस यही था तेरा प्यार। बबीता से गलती क्या हुई, तूने हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लिया। ये सुनते ही रवि के कदम रुक जाते हैं। मेरे लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए ही रुक जा यार। रवि वापस मुड़ता है और शिखर की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, ये सब बोलकर क्या साबित करना चाहता है तू? यही कि तू अब भी उससे प्यार करता है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो यूं हार नहीं मान लेते हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं, उससे मुंह नहीं फेर लेते, उसके लिए लड़ जाते हैं। तू एक बार उसकी जगह खुद को रख के देख, गलतियां किससे नहीं होती, पर अगर किसी को सच में उसका एहसास है तो उसकी गलती को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं जानता हूं तू अब भी उसे मिस करता है। ये बात सुनते ही रवि की आंखें नम हो जाती हैं। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, और अगर आसानी से मिल जाए तो वो प्यार ही क्या, और तू जानता है मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं तुझे नहीं खो सकता हूं, और बबीता तेरी है और तेरी ही रहेगी, और मैं तेरी मदद करूंगा कि बबीता को तेरे प्यार का एहसास हो, उसके लिए जो तेरी आंखों में शिद्दत और प्यार मैं देख रहा हूं बबीता भी देख पाएगी एक दिन। बस मुझे एक मौका दे अपनी गलती सुधारने का, शिखर कहता है। रवि भारी गले से कहता है, तू सच कह रहा है? रवि सोचता है कि शिखर सही कह रहा है, गलतियां तो मुझसे भी कई हुई है और हर बार शिखर ने मुझे माफ किया है, और अगर शिखर नहीं होता तो बाबा आज समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। रवि सोच ही रहा होता है कि वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, आपके बाबा की हालत अब स्थिर है, एक दो दिन में आप उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। रवि डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है और डॉक्टर वहां से चला जाता है। शिखर अभी भी रवि के सामने खड़ा है। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं लेकिन तुझसे नहीं, मुझे माफ कर दे मेरे यार। रवि की आंखें नम हो जाती हैं और वो आगे बढ़कर शिखर को गले लगा लेता है। सॉरी भाई, एक तो तू बाबा को समय पर अस्पताल ले आया और मैंने तुझे ही सुना दिया। छोड़ना, बाबा ठीक है, बस वो जरूरी है, शिखर कहता है, और दोनों दोस्त एक दूसरे की गलतियां भूल वापस एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। अनन्या शिखर के घर पर शिखर का इंतजार कर रही है और सोच रही है कि शिखर से दोबारा बात करनी चाहिए या नहीं, अगर वो और नाराज हो गया तो। पर उसे शिखर से दोबारा बात करनी है, वो शिखर के बिना नहीं रह सकती, और शायद इस बार वो समझ जाएगी वो उससे कितना प्यार करती है। इस बार वो उसे मना कर रहेगी। अनन्या खुद से ये वादा करती है, तभी वहां शिखर आता है और अनन्या को वहां बैठा देखकर समझ जाता है कि वो अब तक यहां क्यों है। वो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है। अनन्या उसे पीछे से आवाज देती है, शिखर। शिखर रुकता है और एक बार फिर सोचता है कि उसने अनन्या के पिता से वादा किया है कि वो अनन्या से दूर रहेगा, पर वो कैसे अनन्या को ये बात समझाए। शिखर को ख्याल आता है कि अनन्या बहुत स्वाभिमानी लड़की थी, और उसे समझाने और ये निश्चित करना कि उससे दोबारा मिलने की कोशिश ना करे, उसका एक ही तरीका है कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाए। शिखर मुड़ता है और गुस्से से कहता है, अनन्या तुम क्यों आई हो यहां? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहां से। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरी हुई आंखों से कहती है, शिखर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरी दुनिया का असली मतलब सिर्फ तुम्हारे होने से है, वरना सब फिजूल लगता है। मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं।
शिखर उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार है। तब कहाँ थी तुम जब मेरे पास कुछ नहीं था? अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। मुझे ये सब बोलने की जगह जाओ और जाकर किसी और को पटाओ। शिखर ये कहकर तेजी से अंदर रूम की ओर चला जाता है और अनन्या वहीं खड़ी रह जाती है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो शिखर एक पल उसके साथ बात करने को राजी नहीं है। अनन्या मन ही मन दुखी है, ना तो शिखर को कोस पा रही थी और ना ही अपने आप को। अगली सुबह शिखर और रवि होटल के कैफे में बैठे हैं। शिखर ने रवि से वादा किया है कि वो बबीता को रवि के पास लाने में उसकी मदद करेगा। रवि कहता है, अगर मुझे यहाँ बैठकर बस बबीता का इंतजार ही करना है तो ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ, तू इसमें मेरी क्या मदद कर सकता है? शिखर एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हम यहाँ उसका इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो यहाँ तेरा इंतजार करे। सुन ले, 6 दिन तक तुझे बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा मैं कहता हूँ। 6 दिन लड़की इन। रवि सवाल उठाता है, लेकिन 6 दिन क्यों? क्योंकि मैं संडे को काम नहीं करता। शिखर जैसे ही ये कहता है दोनों साथ हंसते हैं। शिखर कहता है, अब तुझे 6 दिन बबीता के सामने तो जाना है लेकिन मिलना नहीं है। भले ही वो कितना भी बात करने की कोशिश करे लेकिन तुझे नजरअंदाज करके वहां से निकल जाना है। रवि कहता है, अबे तेरा प्लान हमें मिलवाने का है या अलग करने का? शिखर कहता है, लड़कियों के बारे में मैं एक चीज जानता हूँ, जितना तुम उनके पास जाओगे वो उतना तुमसे दूर जाएंगे, और अगर तुम लड़की के पीछे नहीं जाओगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्यों तुम उनके पीछे नहीं जा रहे हो, और इसी का हमें फायदा उठाना है। रवि अपना सर खुजलाते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिखर खड़े होते हुए कहता है, तू फिल्म नहीं देखता क्या रवि? इतना बोलकर शिखर अपनी चेयर से उठता है और कहता है, टाइम हो गया है, इस टाइम बबीता डेली इस कैफे में आती है, मैं निकलता हूँ, तुझे बताया ना क्या करना है? रवि हामी भरते हुए सर हिलाता है। थोड़ी देर में बबीता वहां आती है। यह बबीता का सबसे पसंदीदा कैफे है, यहाँ रोज आती है। उसे देखकर रवि वैसा ही करता है जैसा शिखर ने कहा था। वो बिल्कुल बबीता पर ध्यान नहीं देता, बबीता का ध्यान रवि पर जाता है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, पर रवि फोन पर बात करने का नाटक करते हुए ऐसा दिखाता है जैसे उसका ध्यान ही नहीं है बबीता पर, और दूर जाकर दूसरी टेबल पर बैठ जाता है। अगले दिन बबीता फिर उससे बात करने उसके पास आती है। रवि फिर फोन पर बात करने का नाटक करता है। बबीता को भी शक होता है, वो तेजी से रवि के पास जाती है और बिना पूछे उसका फोन छीन लेती है और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, नंबर भी डायल करना होता है, मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आज भरोसा भी हो गया। और फोन वहीं टेबल पर पटक कर वहां से चली जाती है। बबीता के वहां से जाते ही शिखर रवि के सामने आ बैठता है। कुछ पल उसे निराशा भरी नजरों से देखता है और उस पर एक दोस्त के नाते चिल्लाना शुरू कर देता है। रवि अभी भी कंफ्यूज है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो बबीता इतना गुस्सा हो गई। देर रात अपने घर में नींद में पड़े शिखर का फोन बजता है। वो टाइम देखता है कि रात के 11 बजे हैं। क्लब के मैनेजर का फोन है। शिखर फोन उठाता है, इतनी रात को क्यों फोन किया? दूसरी ओर से मैनेजर डरी आवाज में कहता है, सर सर आप जल्दी क्लब आ जाएं, हमारा क्लब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। शिखर की नींद उड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिखर का नाइट क्लब बंद होने वाला था, और क्या शिखर इस मुसीबत से क्लब को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी।